केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौसम खराब होने के बावजूद कौशाम्बी में आयोजित जनसभा स्थल पहुंचे। पहले उन्हें हेलीकॉप्टर से आना था, लेकिन बाद में वह बमरोली एयरपोर्ट पहुंचकर और बायरो जनसभा स्थल पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों को उत्साह देखने को मिला। मंच से नितिन गडकरी ने बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी का ड्रीम प्रोजेक्ट श्री राम वनगमन मार्ग का शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने 26.5900 करोड़ की 6 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि ब्लैंक चेक केशव जी को दे रहा हूँ, जितनी रकम डालना हो डाल दो। आगे उन्होंने अयोध्या और चित्रकूट से 258 किलोमीटर 75 किलोमीटर रामप्रिया मार्ग शिलान्यास किया। कैबिनेट केंद्रीय मिनिस्टर नितिन गडकरी कौशाम्बी में दौरा रहा। उन्होंने जमकर जनता से भाजपा सरकार की कार्यों का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि चित्रकूट से 258 किलोमीटर 75 किलोमीटर रामप्रिय मार्ग शिलान्यास किया है, जो रामेश्वर तक जाएगा। ये सब काम भगवान रामचंद्र के आशीर्वाद से हो रहा है। बहुत अभिवादन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। केशव जी ने मुझे जितने जितने प्रश्न और समस्याएं बताई थी, सबका समाधान निकालकर मैं यहां आया हूं। सोनकर जी और पटेल जी मुझे संसद में मिलते हैं, उनके भी सब पत्रों की दखल लेकर, उनको क्या क्या चाहिए ये की समस्याओं का समाधान लेकर भी मैं आया हूं। पर इसके बाद मैं एक ब्लैंक चेक दे के जा रहा हूं केशव जी के हाथ में, और वो चेक में मैंने नीचे अपनी साइन कर दी है, ऊपर में जितनी अमाउंट आपको डालना हो डाल दो, वो चेक सौंपा कर मैं चला जाऊंगा। और वो है विशेष रूप से प्रयागराज में फाफा मऊ में हम एक केबल स्ट्रीट ब्रिज बना रहे हैं। मैं कह रहा था हमारे लोगों को संभव हुआ तो आपको चित्र दिखा दे, आया क्या? हाँ, ये जो ब्रिज है केबल स्ट्रीट गोवा में बन रहा है, ऐसे दोनों तरफ पियर है और बीच में केबल लगी हुई है। आज मैं घोषणा कर रहा हूं, केशव प्रसाद जी ने मुझे आग्रह किया और हमारे सांसद को भी मैंने कहा था कि यहां आने के बाद ऐसी दो बातें करूंगा, केवल हिंदुस्तान नहीं तो पूरे दुनिया का आकर्षण केंद्र कौशाम्बी और ये बनेगा। ये देखो कैसा ब्रिज है, ये ऊपर में एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट और व्यूअर गैलरी बनेगी, और कैप्सूल लिफ्ट से ऊपर जाएंगे लोग, और ऊपर में जाकर वहां प्रयागराज के इतिहास का आर्ट गैलरी भी होगी। और ऐसा ब्रिज अब निश्चित रूप से फाफा मऊ में बनेगा, और ये रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट केवल हिंदुस्तान का नहीं, केवल उत्तर प्रदेश का नहीं तो पूरे दुनिया के आकर्षण का, टूरिस्ट का केंद्र बनेगा, ऐसी जगह यहां बनेगी, ये मैं आपको विश्वास से बताना चाहता हूं। कपिल वस्तु, लुम्बिनी, कुशीनगर, वैशाली, नालंदा, राजगीर से बोध गया, ऐसा ये बुद्ध सर्किट बनाया गया है। उसमें कौशाम्बी भी को जोड़ा है हमने, पटना गया डोबी तक 5,519 करोड़ की लागत से 128 किलोमीटर 4 लेन सड़क निर्माण कार्य दिसंबर 2022 में पूरा हो जाएगा। इसमें बोध गया, राजगीर और नालंदा के बीच कनेक्टिविटी हो जाएगी। इसके साथ साथ पटना से बेतिया तक 8,000 करोड़ की लागत से 167 किलोमीटर 4 लेन मार्ग निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, और जून 2022 तक ये कार्य अवार्ड हो जाएगा। इसी मार्ग के बनने से वैशाली, अरेराज, लोरिया के बीच कनेक्टिविटी हो जाएगी। मुंगेर से मिर्जा चौकी तक 6,000 करोड़ की लागत से
125 किलोमीटर फोर लेन ग्रीनफील्ड मार्ग बनाया जा रहा है। ये ग्रीनफील्ड है, ग्रीनफील्ड का मतलब नया मार्ग बन रहा है, अभी वहां मार्ग नहीं है, हम पूरा नया मार्ग बना रहे हैं और ये मार्ग सितंबर 2023 तक बन जाएगा। इस मार्ग के बनने से कहलगांव और विक्रमशिला के बीच कनेक्टिविटी हो जाएगी। मैं बहुत सी बातें बताने के लिए है पर समय की भी कमी है। हम उत्तर प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए खर्चा करके 18 बाईपास का निर्माण कर रहे हैं और उसकी कल मैंने अपनी घोषणा की थी। अभी हमारे सांसद पटेल जी मुझे कह रहे थे कि जितने रोड लगेंगे उतने वहां बाईपास की बड़ी अड़चन है, आप जितने बाईपास लगते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको पूरा कर दूंगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। उत्तर प्रदेश में हम 7 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। एक है 30,000 करोड़ का गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे। अभी हमने दिल्ली से हमारे मेरठ तक हाईवे बनाया, पहले 4 घंटे लगते थे अब 40 मिनट लग रहे हैं। बहनों और भाइयों, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, परसों मैं देहरादून के पास था मुख्यमंत्री जी।